फट गई लिटरली। आधे से थोड़ा सा ऊपर पहुंचे। पूछा किसी ने? पूछा नहीं, पर मैं बता रही हूँ जो यहाँ आए तो प्लीज थोड़ा जिम मार के आना, पुशअप मार के आना जिसमें स्टैमिना हो। क्यों, क्या हुआ पूजा? लिटरली हमारी फट चुकी है और हम कृपया करके अपने भाप लेने वाली मशीन लाए। राइट, भाप मारने वाली मशीन लाए। खांसी की गोली जरूर रखे और नाक बंद होने का डर होगा तो मास्क जरूर लाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे भैंसे, सेट हो भाई। एक सेकंड, माँ ने बिजारी बना दिया सब पूरा। रोमांस करने के बाद हमने चाय की चुस्की ली और हम पहुंच गए अपने होटल भागशो में। यहां से हमें ट्रैक स्टार्ट करना है। ट्रैक शुरू करने से पहले हमने सोचा गांधी जी को अपने साथ लिया जाए, क्योंकि ऊपर इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत रहेगी और फिर हमें पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। ट्रैक शुरू किया हमने भागशो से और पूरे जोश के साथ हमने ट्रैक शुरू किया। आप सबके चेहरों पर खुशी देख रहे होंगे। ओहो, कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, जो कि 5 मिनट बाद ही 2 उनमें से डाउन हो गए। ट्रेन की डिस्टेंस 10-11 किलोमीटर्स है और ये काफ़ी स्टीप ट्रैक है, तो आप जितना मिनिमम बैग कैरी करेंगे, जितना आप मिनिमम वेट कैरी करेंगे, उतना आपके लिए कंफर्टेबल और इजी रहेगा। वीडियो में शायद आपको ये ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। त्रिउंड ट्रैक का रास्ता दूसरा भी है, बट बिलीव मी ये रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है और यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको त्रिउंड ट्रैक करना है तो आप भागशो से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारे ग्रुप का है मिस्टर जहरीला और ये पूजा। इसका फेमस जालक है वो कौन है जिसने पूह को मुड़ के नहीं देखा? हम दिल्ली से ही डिसाइड करके आए थे कि चाहे जो हो जाए हम त्रिउंड में नहीं स्टे करेंगे, हम उसके ऊपर लागा ग्लेशियर में स्टे करेंगे, ऑल्सो नोन एज स्नो लाइन। सो हमने अपने कैंप, फूड एंड गाइड पहले से ही बुक कर लिए थे। लागा ग्लेशियर का ये पैकेज अराउंड 1500 पर पर्सन का पड़ता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल इन योर ग्रुप इट वेरीज। वैसे तो स्नो लाइन का अलग ही मज़ा है, लेकिन अगर आपको स्नो लाइन नहीं जाना है और आपको सिर्फ त्रिउंड में ही रुकना है तो आप त्रिउंड से थोड़ा सा नीचे कैंप ले सकते हो। त्रिउंड में कैंपिंग नहीं है किसी रीजंस की वजह से, तो आपको जो त्रिउंड का पैकेज है वो 900-2000 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। हम त्रिउंड को पीछे छोड़ आए हैं और हम स्नो लाइन की तरफ बढ़ चुके हैं। त्रिउंड तक तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स हैं। और मैं आपको एक बार प्राइस बता देता हूँ, वाटर बॉटल 50 रुपीज़, टी 30 रुपीज़, मैगी 80 रुपीज़, एंड जैसे जैसे आप थोड़ी हाइट पर जाते जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रेट में आ सकता है। लेकिन अगर आपको स्नो लाइन तक जाना है तो आप त्रिउंड से ही कुछ सामान खरीद सकते हो, क्योंकि त्रिउंड से स्नो लाइन तक आपको शॉप्स नहीं मिलेंगी।
स्नो लाइन के रास्ते में पड़ता है ये माता तरंगा वाली जी का मंदिर, तो आप ऊपर जाते वक्त इनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। जय माँ तरंगा वाली। स्नो लाइन की चढ़ाई थोड़ी और स्टीप है। पूजा, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग नॉट वेल। क्यों, क्या हुआ? डर। और घबराहट। और बहुत कुछ, फट गई लिटरली। ब्यूटीफुल सनसेट व्यू। धौलाधार कैफ़े, हमने यहीं पे स्टे किया था। और स्नो लाइन के लिए जब आप जा रहे होंगे तो जगह जगह पे इसके मार्क लगे होंगे। स्नो लाइन पर हमारे अलावा कोई और था नहीं, क्योंकि यहाँ तक काफी कम बंदे आ पाते हैं। ये हमारी दिल्ली की सेफ। ये बॉनफायर भी पैकेज में इंक्लूडेड था। अगर आपको बाहर ज्यादा ठंडी लगती है तो आप कैफे के अंदर भी स्टे कर सकते हो। रात में दाल चावल खाने के बाद हम अपने कैंप में जाके सो गए। काफ़ी लोग ठंड की वजह से कैंप में नहीं सो पाते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आपको कितनी भी ठंड लगे आप कैंप में ही स्टे करना। अगर आपको कैफे का नंबर चाहिए देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ये गोलू धोने के लिए पानी लेने गया है, क्योंकि स्नो लाइन में आपको जो भी करना है खुले आसमान के नीचे ही करना है। अगर आपको इसकी तरह ठाकुर बनना है तो आपको अपनी चद्दर घर से ही लेके आनी होगी। मॉर्निंग में करण भाई के हाथ की टेस्टी मैगी एंड आमलेट खाने के बाद हम वापस चल दिए। हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम ट्रैक पे अगर टाइम से नीचे पहुंच जाते हैं तो हम आज ही कैब लेके बिर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें कल पैराग्लाइडिंग करनी है। बिर में वर्ल्ड की सेकेंड हाइएस्ट हाइट से पैराग्लाइडिंग होती है। हमने अपना ट्रैक स्टार्ट फ्राइडे को किया था तो ट्रैक काफ़ी खाली था, बट हम सैटरडे को जब वापस जा रहे थे तो त्रियुण ट्रैक तक काफ़ी भीड़ थी। तो अगर आपको क्राउड का मज़ा लेना है तो आप वीकेंड में ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं तो पहाड़ों पे जाता ही इसलिए हूँ कि मुझे कम से कम क्राउड मिले, तो मेरे लिए फ्राइडे को ट्रैक करना ज़्यादा अच्छा रहा। भागशू से बिर तक के लिए हमने कैब करी और कैब का स्टैंडर्ड प्राइस है 2000 रुपीज।
बेर में पहुंचते ही हमने अपनी पैराग्लाइडिंग बुक करी और होटल बुक किया। होटल में अपने बैग धरने के बाद हम पहुंच गए माफिया। माफिया वहां का वन ऑफ द अमेजिंग कैफे है जहां पे हमने बहुत एंजॉय किया। इवनिंग में पैराग्लाइडिंग करने के लिए हम निकल चुके हैं मिल्स पीक एडवेंचर के साथ। हम अभी जा रहे हैं हाइट पे जहां से हम टेक ऑफ करेंगे। ये जो आप ब्लू हेयर में बंदा देख रहे हो ये है मिस्टर बनी। ये मेरे पायलट हैं और ये काफी अमेजिंग पायलट हैं। तो आपको अगर इनका नंबर या आईडी चाहिए हो तो डू कॉन्टेक्ट मी और कमेंट। ये जो मैं भाग रहा हूँ ये इसलिए नहीं भाग रहा कि मेरी कोई ट्रेन छूट रही है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि हमें टेक ऑफ साइट एकदम खाली मिल गई है। सनसेट का व्यू है और परफेक्ट वेदर कंडीशन है टेक ऑफ करने के लिए। बनी भाई और मैं यहाँ की टॉप वाली साइड से टेक ऑफ करेंगे और मेरे दोस्त बाकी वो पीछे वाली साइड से टेक ऑफ करेंगे और हम चारों सेम टाइम पे टेक ऑफ करेंगे। यो। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। होटल से बोरी बस्ता उठा के हमने कैब में ठूसा और पहुँच गए अपनी बस में। और ये बस रुकी है रात में एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमने करी पेट पूजा। ये हम पहुँच गए दिल्ली। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना और डू प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।